कहते हैं कि वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मगर एवेंजर एंड गेम मूवी रिलीज़ होने तक का वक्त पता नहीं क्यों निकल ही नहीं पा रहा है। शायद इसी को देखते हुए मार्वल स्टूडियो ने एवेंजर्स एंड गेम का सेकेंड ट्रेलर हमारे सामने रिलीज़ कर ही दिया है। जिस तरह सारे एवेंजर्स जो हुआ उसे ठीक करने के लिए सही वक्त का वेट कर रहे हैं, वहीं हम फैंस एवेंजर्स मूवी देखने का वेट कर रहे हैं। ट्रेलर जितना अच्छा है, हम फैंस को उम्मीद है कि मूवी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें एवेंजर्स सिर्फ बातें करते ही नहीं बल्कि किसी मिशन पर जाते हुए और फाइट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एवेंजर्स एंड गेम के सेकेंड ट्रेलर में हमें फर्स्ट ट्रेलर और टीवी स्पॉट के भी कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, तो मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ब्रेकडाउन करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है, तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सेकेंड ट्रेलर के शुरुआती सीन्स में हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर मूवी जैसे कोई फ्लैशबैक सीन भी हमें दिखाई देते हैं। इन सारे फ्लैशबैक सीन्स को दिखाने का मतलब ये हो सकता है कि भले कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आई हों, एवेंजर्स हार नहीं मानेंगे और इस बार वो थैनोस से लड़ते हुए जो कुछ हुआ उसे बदलने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे। फर्स्ट ट्रेलर में टोनी जो मैसेज पेपर के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, वही सीन फिर से देखने को मिलता है और इस बार टोनी उसकी अब तक की जर्नी के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो खुद के लिए आयरन मैन बना था, लेकिन बाद में दुनिया को बचाने के लिए वो आयरन मैन बन गया। आगे हमें होकाय अपनी फैमिली के साथ नज़र आता है। हो सकता है कि वो भी अपने पास्ट को याद कर रहा होगा, क्योंकि थैनोस की चुटकी के बाद उसकी फैमिली भी धूल बन गई होगी। अपनी फैमिली को खो देने का दुख होकाय को रोनिन बना देता है। शायद इसीलिए हमें इस सीन में नताशा होकाय को वापस एवेंजर्स की टीम में शामिल करने के लिए बोल रही होगी और उसे वापस एवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेती है। आगे हमें नताशा, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर दिखाई देते हैं। इस सीन को देखते हुए यही लग रहा है कि एवेंजर्स हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी सीन में अगर आप नोटिस करेंगे तो नताशा के बाल लंबे हैं, जिससे ये कन्फर्म होता है कि इन्फिनिटी वॉर को कम से कम 6 से 8 महीने हो गए हैं। इसके बाद एंड मैन उसकी बेटी के घर के बाहर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लगता है कि वो क्वांटम फील्ड से बाहर आया होगा और उसे भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। शायद इसी के बाद एंड मैन उसके बाद बाकी एवेंजर्स से मिलने के लिए एवेंजर्स हेडक्वार्टर में गया होगा, जो कि हमने फर्स्ट ट्रेलर के एंड में देखा था। ट्रेलर के कुछ सीन में हमें एवेंजर्स कहीं पर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। अब यह जगह कौन सी है ये तो नहीं पता, पर हो सकता है कि ये कोई स्पेस में कोई प्लेनेट है जहां पर ये सारे एवेंजर्स फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस फाइट सीन्स में हमें नेबुला भी दिखाई देती है। हो सकता है कि कुछ एवेंजर स्पेस में गए हों और वहां से फाइट करते हुए हार गए हों और वहीं उन्हें टोनी और नेबुला मिले होंगे और वहां से हारने के बाद वो वापस अर्थ पर आ रहे होंगे। इसके बाद हमें सारे एवेंजर्स क्वांटम सूट में दिखाई देते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमें नेबुला और आयरन मैन भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो अर्थ पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि फाइट स्पेस पे हो रही थी, वहाँ से हारने के बाद ये अर्थ पे आए होंगे और उसके बाद क्वांटम सूट का यूज़ करते हुए शायद हो सकता है कि ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं और एक बार फिर ये थैनोस से फाइट करेंगे और इस बार थैनोस की छुट्टी कर देंगे। इसके बाद ट्रेलर का सबसे मज़ेदार सीन देखने को मिलता है, जहां हमें थॉर और कैप्टन मार्वल आमने सामने दिखाई देते हैं। ये सीन कैप्टन मार्वल के मिड क्रेडिट सीन के बाद का ही होगा। थॉर दूर से स्टोन ब्रेकर
को हाथ में लेता है ताकि कैप्टन मार्वल डर जाए, पर ऐसा होता नहीं है, जिससे थॉर कहते हैं कि कैप्टन मार्वल उन्हें पसंद है। इसी के साथ एवेंजर्स एंड गेम का सेकेंड ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इसमें आपसे 100 लाइक्स की उम्मीद है। अगर 100 लाइक्स आएंगे तो संडे को मैं एवेंजर्स एंड गेम रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसे भी आप ज़रूर देखना। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।